बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी अब तक यह जान गए हैं कि दूरदर्शन पर ही प्रतिदिन आपकी कक्षाएं भी लगती हैं और आप एक प्रेरक कहानी भी सुनते हैं। आशा करती हूँ आपको घर पर ही विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा, आपकी पढ़ाई लगातार हो रही होगी और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बस आज भी हो जाइए तैयार, और हाँ, अपने पास अपनी कॉपी एवं कलम रखना ना भूलें। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आपको अपने कॉपी में जरूरी बातों को नोट करना है, तथा यदि आपके मन में अध्याय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो उसे भी अवश्य नोट कर लेना है। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड में क्लास सिक्स के सामाजिक अध्ययन विषय अंतर्गत पाठ विविधता की समझ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात वर्ग सात के सामाजिक अध्ययन विषय लोकतंत्र में समानता तथा राज्य सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात तारा है तैयार वीडियो का अवलोकन करेंगे, और आखिरी में क्लास 8 का सामाजिक अध्ययन विषय भारतीय संविधान की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। कक्षा छठी, विविधता की समझ। हम लोग एक समान नहीं दिखते, हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहार में भी भिन्नता होती है। जहां बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का ओणम है। वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहारों आदि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को हानि दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, स्वर्ण एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही है, बल्कि निशक्तों एवं सामान्य, स्वर्णों एवं दलितों के साथ साथ
अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। अपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा, आइए उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 में माहर जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। माहर लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। आइए जाने कोरोना वायरस यानी COVID-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं, फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचे। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। कक्षा 7वीं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, लोकतंत्र से समानता। एक सरकारी विद्यालय में मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यहाँ लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है। सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतार में खड़े होकर जहां लोगों को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से बच्चे को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना मजबूरी है, क्योंकि लोगों के पास बच्चे को बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकारों में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट देने का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी असमानताएं हैं। मानवीय गरिमा और असमानता।
जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधीजी रेलगाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधीजी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंगभेद चरम पर था। ट्रेन जब मारिटज वर्क पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधीजी यात्रा कर रहे थे कुछ रेल कर्मचारी आए। गांधीजी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधीजी ने प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधीजी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधीजी को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधीजी को काफी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। समानता एवं असमानता के व्याक स्वरूप। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। वैवाहिक विज्ञापन। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। मध्याह्न भोजन और विद्यालय। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में ना सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी बल्कि छीजन यानी पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। कहीं कहीं भोजन बनाने वाले की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। दलित एवं महादलित। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। महादलित। दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली बार महादलित कहा गया। गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा गरीब लोग खेतिहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत छोटी जमीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं, क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरे व्यक्ति ने रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा क्योंकि वहां यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था, जिसे बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन करने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी आर्थिक असमानता के कारण उन विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती हैं। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु कई बार ऐसा नहीं होता। असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बातों को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियां करते हैं एवं जन आंदोलन में भाग लेते हैं। राज्य सरकार, सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हम लोग जानेंगे राज्य स्तर पर सरकार कैसे कार्य करती है, विधायक कौन होता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है एवं लोग सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखते हैं। विधायक का चुनाव, भारत के सभी राज्यों में एक विधानसभा है। इस सभा के सदस्य को विधायक यानी MLA कहते हैं। प्रत्येक राज्य कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। सभी उम्मीदवार पहले अपना नामांकन भरते हैं, उसके बाद अपने प्रचार के लिए अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थान पर आयोजित करते हैं। कोई भी गांव व कस्बा ऐसा नहीं जहां लोग अपनी पार्टी का प्रचार ना करते हों। इस तरह से सभी अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाते एवं उनके उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हैं। प्रचार के दौरान सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे करते हैं। सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत मिलने पर निर्वाचन पदाधिकारी उसे विजयी होने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार वह चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र के विधायक 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। सरकार का बनना, कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष एवं अन्य सभी दलों को विपक्ष कहा जाता है। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 243 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से एक अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, अर्थात 243 विधायकों में से कम 122 की आवश्यकता होगी। बहुमत के नियम की आवश्यकता क्यों है? वह इसलिए कि सरकार उस दल की बननी चाहिए जिस दल को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हों। लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुना जो विधायक बनकर विधानसभा में आए। जिस दल के पास आधे से अधिक विधायक हैं
यानी उस दल को लोग ज्यादा चाहते हैं, इसलिए वह सरकार बना सकता है। राज्यपाल, राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं। वह उस दल या गठबंधन के नेता को बुलाते हैं जिसे बहुमत प्राप्त हो और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, परंतु कुछ राज्यों यथा बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं जम्मू व कश्मीर के विधानमंडल में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह स्थायी सभा है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन व मनोनयन होता है। विधान परिषद के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और किसी भी दशा में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए सदस्य अपने में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। झारखंड के अलग अलग राज्य बनने के बाद बिहार विधानसभा परिषद में कुल 75 सीट हैं। इनमें स्थानीय निकाय द्वारा 24 विधानसभा सदस्यों द्वारा 27, स्नातकों द्वारा 6 एवं शिक्षकों द्वारा 6 निर्वाचित सदस्य हैं। शेष 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हैं। विधानसभा में एक बहस। सभी मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं जहां वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन एवं शिक्षा मंत्री सिर्फ शिक्षा संबंधी कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। उन पर पूरे राज्य के उस विभाग से संबंधित जिम्मेवारी होती है। सभी मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखनी होती है। इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल निकालते हैं। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। विधानसभा में किए गए बहस एवं प्रस्ताव को अखबारों, दूरदर्शन समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते व सुनते हैं। विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाते हैं। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में दौरा करें, लोगों से मिलें एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है एवं जिस विभाग का वह मंत्री होता है उसकी जवाबदेही भी। मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं एवं कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली। वे लोग जो सरकार में शामिल हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, उन सभी को समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि द्वारा करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन लिया जाता है। आइए बच्चों, रोज की तरह हम सभी फिर आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। इसके माध्यम से हम सभी जान पाएंगे कि कोविड-19 को हराने में हम सभी साफ सफाई रूपी योद्धा की तरह लड़ें, तो निश्चित ही हम सभी विजयी होंगे। अपने को कैसे साफ रखें, सुरक्षित रखें, इस वीडियो का अवलोकन कर हम सभी इसकी पुनरावृत्ति भी कर लें। तारा तो तैयार है, क्या आप तैयार हैं? तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना, देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना इजी, कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदे निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया, कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। बस अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर ये बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है?
होगा। खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और एक मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संविधान। इसे हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अध्याय में हम संविधान और उसके विभिन्न आयामों को जानेंगे। तो आज हम जिन आयामों को पढ़ेंगे वो है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म एवं संसदीय शासन पद्धति यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। बच्चों, संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। क्या आपको याद है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? सोचिए। जी हाँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने संविधान को अपना लिया। तो बच्चों, संविधान एक किताब है जिसको हमारे देश के कुछ महान पुरुषों ने मिलकर तैयार किया था। यह किताब कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस किताब में अनेक महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों के बनाए कठोर कानूनों को हटाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय आम लोगों की सरकार में कोई भी सहभागिता नहीं थी, जिस वजह से आम इंसान पर बहुत अत्याचार किए गए। इन्हीं अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक संविधान लाया गया जिसमें हर नागरिक को समानता तथा सरकार में सहभागिता दी गई। अब हम यह जानते हैं कि संघवाद क्या होता है। अभी हमने जाना कि संविधान क्या होता है और संविधान का पहला आयाम है संघवाद। तो संघवाद का अर्थ है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। हमारे देश में बच्चों 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहले स्तर पर होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश पर शासन करती है। उसके बाद हर राज्य में एक सरकार होती है, जैसे कि हमारे झारखंड राज्य में भी राज्य सरकार है। उसके बाद आती है स्थानीय स्तर की सरकारें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी स्थानीय सरकार है। तो यहाँ हमने पढ़ा संघवाद के बारे में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखा है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है, लेकिन आप बताइए कि क्या सभी विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। संविधान में एक सूची बनी है जिसके आधार पर संघ एवं राज्य दोनों ही सरकारों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसी प्रकार राज्य सूची में दिए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों को है। इस सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। यहां तक आपको समझ आया बच्चों?
अब हम इन सूची में जो विषय दिए हैं उन्हें जान लेते हैं। संघ सूची से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं वो है वित्त, संचार और सुरक्षा। यह ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और जिन पर पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है, इसलिए इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में भूमि, पुलिस, कृषि जैसे विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार अपने राज्यों में कानून बनाती है। बच्चों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यह ऐसे विषय हैं जिन पर एक समान कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इसी कारण इन्हें राज्य सूची में रखा गया है, ना कि संघ सूची में। तो अभी हमने जाना संघ सूची और राज्य सूची के बारे में, अब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। तो अभी हमने इन तीनों सूचियों के बारे में जाना, लेकिन बच्चों अब जरा यह सोचिए कि अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पर मतभेद हो जाए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच, तो कौन सा कानून मान्य होगा? क्या पता है आपको? नहीं? तो बच्चों अब याद रखिएगा कि किसी भी मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। समझ आया आपको? तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के अगले आयाम को जानते हैं, जो है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति की दो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसद क्या होता है और वहां लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? संसद, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, एक सभा होती है जिसमें हम नागरिकों के द्वारा चुने गए लोगों को बिठाते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं। क्या आपने कभी चुनाव में वोट डाला है बच्चों? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही वोट डाल सकते हैं और उनके वोटों के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संसदीय शासन पद्धति की जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका संसद के बनाए कानूनों को लागू करती है। प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है। आपको यह जो तस्वीर दिख रही है वह प्रधानमंत्री का दफ्तर है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बोलते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में नियुक्त लोग बैठते हैं। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, क्या आपको पता है? वह है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या आपको पता है कि अभी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं, संघवाद क्या होता है और उसकी तीन प्रकार की सूचियों के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं और इसके महत्वपूर्ण इकाइयों को भी हमने जाना। आशा करती हूँ कि बच्चों, आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। अगली कक्षा में हम संविधान के अन्य आयामों को जानेंगे। धन्यवाद। हमारे देश ने संविधान को कब अपनाया था? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। संविधान में कानून बनाने के विषयों को
कितनी सूचियों में विभाजित किया गया है। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है 3 सूचियों में। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार कौन सी सरकार को है? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है केंद्र एवं राज्य सरकारों को। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है राष्ट्रपति। संसदीय शासन पद्धति की कौन सी इकाई कानून बनाती है? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है व्यवस्थापिका। हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक नए अध्याय को शुरू किया था जो है संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और हमने उसके 2 आयामों के बारे में जाना था। आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम संविधान के 2 और आयामों को जानेंगे और पढ़ेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में, यानी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी के बारे में, और हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका होती क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? तो चलिए बच्चों, न्यायपालिका को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेल तो खेलते ही होंगे। तो ये बताइए कि खेल में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर कौन उसे सुलझाता है? रेफरी और एम्पायर, है ना? तो इसी तरह हमारे देश के प्रशासन अच्छे से चल रहा है या नहीं, संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसे सुनिश्चित करने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि खेल में रेफरी स्वतंत्र होकर फैसला लेता है, उसी तरह न्यायपालिका भी स्वतंत्र होकर हर मुकदमे का फैसला लेती है। और आपने देखा होगा कि रेफरी जो होता है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। तो उसी तरह हमारी न्यायपालिका भी निष्पक्ष होती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और यह भी कि न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद सरकार में कोई और पद नहीं ले सकता। इसके अलावा न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन पर संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि न्यायाधीश वह न्यायालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतन पर संसद का मतदान नहीं होता है। तो अभी हमने जाना हमारे न्यायपालिका के बारे में, अब हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। यह अधिकार हमारे विकास के लिए आवश्यक एवं सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में आप यही देख लीजिए कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा हमारे विकास में सहायक होती है। बच्चों, मौलिक अधिकार हमें सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। तो आपको समझ आया कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो अब शायद से आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चों, शुरुआत में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके बाद अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको मैंने पहली कक्षा में बताया था कि संविधान एक किताब है। तो इस किताब के भाग 3 में 12 से 30 अनुच्छेद एवं 32 से 35 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार बताए गए हैं।
तो अभी हमने जाना कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। अब हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। यह मौलिक अधिकार हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। तो आप आज इन अधिकारों को जानकर अपने माता पिता या भाई बहन को जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अधिकार की ओर, जो है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि हम सब लोग एक समान हैं। हमारे देश के कानून सबके लिए एक समान है और किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार में ये भी है कि किसी भी इंसान को सार्वजनिक स्थान जैसे कि होटल, दुकान, मैदान पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर भी दिया जाएगा, यह भी इसी अधिकार का भाग है। क्या आपको समानता का अधिकार समझ आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी आजादी। इस अधिकार में बोला गया है कि देश का नागरिक स्वतंत्र होकर भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है एवं देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है और वहां रह सकता है। और इस अधिकार में ये भी शामिल है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कारोबार कर सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अधिकार की ओर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार नागरिक पर होने वाले शोषण को रोकता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि इस अधिकार के अंतर्गत बाल मजदूरी यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाना या मजदूरी कराना अपराध है? नहीं? तो आज हमने यह भी सीख लिया। इसके अतिरिक्त तस्करी यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी चीज का आदान प्रदान करना भी एक अपराध है। और बच्चों, जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर भी अपराध है, यानी किसी से भी जबरदस्ती कोई काम कराना वो भी इस अधिकार के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। तो क्या आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समझ आया बच्चों? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों, हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। मतलब कि कोई भी इंसान किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, यह करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने पांचवें अधिकार की ओर, जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें कहा गया है कि जो भी धार्मिक या भाषीय अल्पसंख्यक है। अब बच्चों, आप पूछेंगे कि अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? तो अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी आबादी देश में बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को जिनकी आबादी देश में बहुत कम है, उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा या विकास के लिए संस्थान खोलने का पूरा अधिकार है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने आखिरी अधिकार के बारे में जानते हैं, जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। यह अधिकार अगर संविधान में नहीं होता तो बाकी किसी भी अधिकार के होने का कुछ फायदा नहीं है। यह अधिकार कहता है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसका कोई भी संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो अदालत का सहारा ले सकता है। तो क्या आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में समझ आया बच्चों? तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा न्यायपालिका के बारे में कि वो होता क्या है और उसका महत्व क्या है, और हमने जाना कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। इसके अलावा हमने हमारे मौलिक अधिकारों को जाना। हमारे पास 6 अधिकार हैं। हमने उन सभी 6 अधिकारों को विस्तार में जाना। वो अधिकार कौन से हैं बच्चों? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आशा करती हूँ बच्चों कि आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषय आपको समझ आए होंगे, और आगे की कक्षा में हम मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे। धन्यवाद।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है राष्ट्रपति। 1978 में कौन से अधिकार को संविधान से हटा दिया गया? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है 6। बाल मजदूरी का अपराध होना एक मौलिक अधिकार है, हाँ ना? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है हाँ। संविधान का सातवां मौलिक अधिकार क्या है? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आइए जाने कोरोना वायरस या COVID-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे, फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं, उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी नंबर है ramaavatar.singh1802@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431043527। आज के प्रसारण को पुनः देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 12 बजे के बाद कभी भी देखा जा सकता है। बच्चों, एक और जानकारी आपके लिए है, जिसे सुनकर आप अपने इस प्रोग्राम में और अधिक रुचि लेंगे। आप सभी स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग तथा छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल पर पोस्ट कर सकते हैं। चयनित पोस्ट को हम समय समय पर आने वाले एपिसोड में प्रदर्शित भी करते रहेंगे। आप सभी के लिए अपनी कला को उभारने का भी
यह एक सुनहरा अवसर है। बच्चे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6, 7 और 8 के होंगे, और आज की ही तरह हम कुछ प्रेरक कहानियां भी देखेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।